शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अपने मायके, अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए, क्योंकि 11 साल शादी में ना बस टू टाइम मेरा दो भाई गया था, दोनों भाई गया था, एक बार एक बार एक बार एक बार दो बार ही 11 ईयर में। और मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद आई हूँ अपने भैया के घर राखी बांधने के लिए, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो सोची थी कि छोटे वाले भाई को भी बुला लूँगी यहीं पर और दोनों भाई को साथ ही राखी बांध लूँगी, लेकिन छोटा भाई किसी कारणवश नहीं आ सका, तो सिर्फ मैं इस बार भैया को ही राखी बांधूँगी। और बहुत दिनों के बाद मैं आके यहाँ राखी बांधी हूँ, तो कुछ अलग सा ही फीलिंग्स है, वो तो आप लोग देख के पता चल ही गया होगा। और मैं पटना में आई हूँ और आने का ब्लॉग मैं कुछ नहीं बना पाई, जब मैं आई तो रास्ते रास्ते का कुछ भी ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बाबू के साथ अकेले ही आई थी इस बार, हस्बैंड साथ नहीं आए थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं थी और हम दोनों साथ ही आए थे, और उसमें खुद से मोबाइल निकालो खुद से शूट करो वो संभव नहीं हो पाया मेरे से, तो मैं आने की थोड़ी सी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसलिए आप लोग को पता भी नहीं हुआ कि मैं यहाँ पटना में आई हुई हूँ। बस मैं परसों आई थी, यानी 10 को मैं आ गई थी और आज 12 है और आज है राखी। तो जितने भी YouTube पे मतलब जो मुझे अपनी बहन समझते होंगे ना, उन सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। आज राखी और देखिए कि मैं यहाँ पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और यहाँ मैं रेड कलर की ड्रेस पहनी हूँ और आज राखी मॉर्निंग 7:30 बजे तक ही है मेरे यहाँ और अभी बज रहे हैं 7:10, 20 मिनट टाइम है मेरे पास, तो अभी भैया रेडी हो रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी और राखी बांधूँगी। और आप लोग के यहाँ कब राखी हुई हमें बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कब है। बहुत लोग तो कल ही राखी मनाए थे, मतलब 11 को ही बहुत लोग राखी मनाए थे, लेकिन मेरे यहाँ आज 12 और 12 को 7:30 बजे तक राखी है। तो फिर मैं बता दिखाऊंगी भी आपको कि मैं कैसे राखी बांधती हूँ। यहाँ मैं भैया को राखी बांध रही हूँ, तो सबसे पहले हम लोग में टीका लगाया जाता है, उस पर छत लगा दो यानी सिंदूर की तरफ छत लगा के टीका लगा देना है, उसके बाद हम लोग राखी बांधते हैं, उसके बाद हम लोग दिया दिखाते हैं यानी आरती दिखाते हैं बड़े छोटे जो भी भाई होते हैं उनमें, और उसके बाद हम लोग मिठाई खिलाते हैं। बस ऐसे ही होती है रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार जो कि सबके घरों में बहुत ही अच्छे से मनता है। और मैं यहाँ मना रही हूँ रक्षाबंधन, इस बार 10 ईयर के बाद मैं यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ राखी में इस बार आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं पहले ही दोनों भाई को राखी भेज दी थी कि मुझे लगा नहीं था कि मैं जा पाऊँगी और जाने का कोई प्रोग्राम था भी नहीं, तो मैं दोनों को राखी भेज दी थी, लेकिन फिर अचानक से बाबू की छुट्टी हो गई ना 2-3 दिन की स्कूल की, तो मैं सोची क्यों नहीं मैं चली जाती हूँ राखी बांध लूँगी और जो भैया का जो बाबू है उससे मिल भी लूँगी, तो इसी वजह से मैं आ गई। और छोटे भाई के लिए भी मैं राखी लेके आ गई थी, यहाँ बस वो नहीं आया, तुम रहते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, दोनों भाई को मैं एक साथ राखी बांध पाती, पर कोई बात नहीं, जहाँ भी रहो खुश रहो। और यहाँ मैं बाबू को राखी बांध रही हूँ क्योंकि बाबू को भी मेरे साथ पर यहाँ आ गया ना पटना, और इसकी जो बहन लोग बांधती है ना राखी, जैसे फुलटू हो गई इसकी फ्रेंड है और जिया दीदी जो भी है वो लोग इसे राखी मतलब बेचती भी है और कुछ जो है वो आके भी बांधती है, पर वो यहाँ आ गया तो अब यहाँ कोई है नहीं इसे बांधने के लिए, तो मैं ही इसे सारी राखियाँ बांध रही हूँ। और बाबू भी इतना सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गया जो आप देख रहे, क्योंकि बाबू को भी राखी बहुत अच्छा लगता है,
इसकी कोई अब अपनी सिस्टर नहीं है ना, यानी बाबू तो सिंगल ही है, लेकिन तब भी इसे राखी बहुत अच्छा लगता है और जब इंतजार रहता है कि राखी बांधने आएगी मेरी बहन लोग और मैं उसे गिफ्ट दूंगा, सब कुछ वो पहले से रेडी करके रखता है। पर इस बार यहाँ आ गया और इसकी मूड थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि राखी इसे कोई और बांध ही नहीं रही, सिर्फ मैं ही राखी बांध रहा हूँ और जो दूर की थी वो भेजी तो हम लोग यहाँ आ गए, उसके बाद वहाँ पे राखी गया तो इसे मिल ही नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सा बाबू का मूड भी ऑफ है। इसीलिए अब देख रहे हो ना कि ज़्यादा बाबू खुश नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी राखी है तो मैं इसे बांध देती हूँ राखी। और वैसे मॉर्निंग का टाइम है ना, तो मॉर्निंग के टाइम में वैसे ही बच्चे लोग का मूड थोड़ा ऑफ ही रहता है, धीरे धीरे मूड ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं राखी बांध रही हूँ और अच्छा लगा मुझे यहाँ के राखी बांधने पर। आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे राखी बांधते, बहुत सिंपल तरीके से लोग राखी बांधते। बोलते क्या होता है कि नीचे भी बैठ के पूरा मतलब कुछ सबके यहाँ अलग अलग तरह के राखी बांधने की भी नियम होती है ना, और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये भैया का बेटा जो अभी जस्ट हुआ न्यू बॉर्न है, तो मैं हूँ इसकी बुआ और मैं आज इसे फर्स्ट टाइम राखी बांध रही हूँ क्योंकि इसकी इस बार फर्स्ट राखी है। छोड़ा बाबू ओपन सब चटाई दिए जो हल्का क्या आप अभी जाएंगे, शाम में नहीं आएंगे, कब आएंगे? शाम में नहीं आएंगे, अभी जाएंगे। ठीक है, जाओ हैं? ठीक है, जाइए जाइए। हाँ क्या चाहिए आज? छुट्टी है, सो रही है, नहीं जगी हुई है। देखो देखो तुम्हारा ड्रेस पहना है, देखो दीदी दीदी बोलो बोलो दीदी को हैप्पी राखी, तुम्हारा ड्रेस छोटा हो गया, हम बड़े हो गए, बोलो राखी भी बनवा लिया, तुम सो रही हो, देखो देखो नहीं। पुष्पा को बोलो हम तुमको कॉल किए हुए, हम उसको पहले किए थे तो वो नहीं उठाई। देखो उसका राखी, देखो पाखी तुम्हारा राखी बंधा रहा है, देखो बोलो कि दीदी देखो छोटू बेबी को, दीदी बोलो दीदी दीदी देखो देखो बोलो हैप्पी राखी, बोलो हैप्पी राखी, तुम ही बोलो बोलो हैप्पी राखी तुम भी। हाँ देखो सबसे पहले तुम्हारी राखी बांधा है छोटू बेबी, देखो सो गया फिर, देखो दिख रही है अपनी राखी, सुनो नहीं है, सुनो नहीं, उठो 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 और बंद पूरी खोल दो। हाँ वही, हाँ ये तो देखो छोटू बेबी की बुआ उसको राखी बांध रही है सारी सिस्टर का, और देखो तुम्हारा वाला ड्रेस भी पहना है छोटू बेबी। बाबू की पहली राखी है, बाबू की पहली छोटा हो गया, तुमने ऊपर से रख दिए, बाबू बड़ा हो गया, बाबू बड़ा हो गया, ड्रेस छोटा हो गया। बोलो दीदी देखो छोटू बेबी तुम्हारी राखी बनवाने के लिए, नहीं तो सो रहा था, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं फर्स्ट राखी का ठीक है, फर्स्ट राखी का फर्स्ट गिफ्ट है, चेंज क्यों करना है। राखी तुम्हारा क्या कर रहा है तू जी? अरे उठो बाबू उठो, ये सो जाएगा दादा अभी दो मिनट आप समझ आएगा, अभी जल्दी जल्दी उठ जाओ पाखू और अपनी मेहंदी दिखाओ, देखो पाखू मेहंदी दिखाओ, देखो दीदी मेहंदी भी लगाई, अरे वाह बहुत सुंदर है। चलो बाबू और बाबू और कितना राखी बनाना है, तुम्हारा हैंड तो छोटा हो गया। सही है, मेरा हैंड में तो भरा ही नहीं है। लो फोटो खींचो, कोशिश कर रहा है जी, या दिव्या आई हम ना तुम मोना का ठीक है, तुम इको दो आगे, हाँ चल चलो लो फोटो लो, तन्नु वाला तन्नु आपका और हाँ रख दो रखी दो ऊपर से रख फोटो लो, तो देखो दिखाते हैं, देखो कितना मस्ती में राखी बना, देखो चार चार राखी बनाया है इसको, चलो इसका हाथ ही भर गया, देखो हाथ ही हो गया छोटा इसका, उठो ये सो रहा है, ये सो रहा है, आ उठो 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 उठो,
फोटो लो इसका, फोटो ले लिया मैं बहुत सारा। अभी जब एक बार सायरन बजाएगा ना तो सबका राखी बांधना निकल जाएगा। बाबू जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, देखो कितनी सारी राखी है, देखो बोला फोटो खींचता है इसको मिठाई खाते हुए। देखो देखो मिठाई का, मिठाई का चलो।